भारतीय जनता पार्टी काटोल नरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में सरकारी पैसों से नारी शक्ति वंदन महिला मेलावा का आयोजन करने जा रही है। यह आरोप लगा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक अनिल देशमुख ने। उन्होंने इस बारे में खुलासा करते हुए कार्यवाही की मांग की जा रही है। जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मेलावा जैसे उपक्रमों का आयोजन करता है, मगर यह कार्यक्रम सरकारी पैसों से हो रहे ऐसा आरोप विधायक अनिल देशमुख ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि काटोल नरखेड़ के बीडीओ ने इस बारे में खास पत्र निकालकर सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को यह आदेश दिए जाने की बात बताई है। उन्होंने इस मामले में शिकायत करने की भी बात बताई है। भारत सिंगा या गांव दयाल भारतीय जनता पार्टी या माध्यम का महिला मेला आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मेला आयोजन करना चाहिए तो अधिकार है, तेजल कैम संबंध नहीं। या मेला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहे, पण हा पक्षाचा महिला मेळावा त्यानिमित्ताने आयोजित केल्यानंतर या पक्षाच्या मेळाव्याला राज्य शासनाच्या माध्यमातून म्हणजे या पक्षाच्या मेळाव्याला खंड विकास अधिकारी बीडीओ काटोल यांनी ऑफिशियल पत्र पाठवलं सर्व सचिवांना की तुम्ही ग्रामपंचायतच्या खर्चाने प्रत्येक गावातनं 100-100 महिला घेऊन या मेळाव्याला उपस्थित राहा, अशा पद्धतीचं खंड विकास अधिकारी म्हणजे बीडीओ काटोल याचं पत्र त्यांनी पाठवलेलं आहे। म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय कामासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करण्यात येत आहे याचा हा अतिशय जागता नमुना आहे। कसं काय खंड विकास अधिकारी का काटोल पंचायत समितीचा प्रत्येक सचिवाला सांगू शकतो की तुम्ही या मेळाव्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या मेळाव्यासाठी 100-100 महिला घेऊन या म्हणून, हे अतिशय धक्कादायक आहे। अशा पद्धतीत आम्ही कधी पाहिलं नाही की शासनाच्या खर्चातून एखादा पक्ष आपला मेळावा भरवतोय। ठीक आहे, भारतीय जनता पार्टीला त्यांचा मेळावा भरण्याचा अधिकार आहे, पण शासकीय खर्च बीडीओ पत्र काढतो त्यांना फोन करून सांगतो की तुम्ही मोठ्या संख्येनं प्रत्येक सरपंचाला आणि सचिवाला फोन करून सांगतो की तुम्ही या मेळाव्याला उपस्थित राहा, याला आमचा विरोध आहे आणि ज्या कोणत्या व्यासपीठावर आम्हाला संधी मिळेल त्या व्यासपीठावर हा विषय आम्ही मांडू। चुनाव को ध्यान में लेकर जनता तक पहुंचने के लिए हर पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन करता है, मगर इन कार्यक्रमों के लिए सरकारी यंत्रणा और पैसों का उपयोग करना ठीक नहीं है। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए दिया जाता है, उसका उपयोग इस तरह से करना ठीक बात नहीं है। ऐसा है तो इस मामले में कार्यवाही होना जरूरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।